बच्चों गुड मॉर्निंग। आज विषय जीव विज्ञान में हम पढ़ेंगे आनुवंशिकी और विविधताओं के बारे में, जो कि हमारे जूलॉजी के पहले पार्ट में आता है। और इसको हम देखते हैं आनुवंशिकी होता क्या है, जेनेटिक्स से। जेनेटिक्स का अर्थ होता है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों एवं उनकी विविधताओं का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, यह जीव विज्ञान की शाखा है। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता अर्थात इसे कहते हैं हम हेरिडिटी आनुवंशिकता एवं विविधताओं का अध्ययन करते हैं तो उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। ठीक है, ठीक। अब आता है अगला टॉपिक, आनुवंशिकता क्या होती है। आनुवंशिकता किसी भी जीवों के विलक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचते हैं, तो ऐसे लक्षणों को कहते हैं हम आनुवंशिक लक्षण। और जब उनकी वंशागति होती है तो उस वंशागति को कहते हैं आनुवंशिकता। ठीक, लिख लेंगे पहले हम थोड़ा सा, माता पिता के वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होते हैं उसे आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तथा इन लक्षणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है, सपोर्ट कीजिए कि अगर कोई लक्षण जा रहा है, ठीक है, तो अगर मान लीजिए दो पेरेंट्स हैं, ए और बी हैं, पेरेंट्स हैं, उनके पास लक्षण होंगे, जो लक्षण जाते हैं पीढ़ी से उसी पीढ़ी में, तो उसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षण या उन्हें कहते हैं आनुवंशिक विशेषक। ठीक है ना, अर्थात जेनेटिक ट्रेट्स कहते हैं। और जब ये किसी एक नई पीढ़ी में पहुँचते हैं तो जो संतान उत्पन्न होती है उसमें कुछ ना कुछ हमें अलग देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो अब उसी के बेस पर शुरू होता है हमारा विभिन्नताएं अर्थात वेरिएशंस। किसी भी जीवधारी के लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचे हुए हैं, तो उनके लक्षणों में कुछ ना कुछ अलग हमें दिखाई देता है। तो जो लक्षण हमें दिखते हैं अलग से, वही क्या होते हैं, विभिन्नताएं होती हैं। ठीक है, थेके?
माता पिता से प्राप्त वह लक्षण जो कुछ अलग प्रकार से दिखाई देते हैं उन्हें उन्हें ही हम विभिन्नताएं कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि जब हमारे समाज में कोई भी बच्चा उत्पन्न होता है तो उस नए जन्मे हुए बच्चे में हम ये तुलना करते हैं कि जो बच्चा है बेबी है उसका जो आई है किस पर गया हुआ है, ठीक है, बच्चे की जो नाक है किस पर गई है, बच्चे का होंठ किस पर गया हुआ है। तो हम जब ये तुलना करते हैं अपने इस समाज में तो हमें पाते हैं कि जो भी बच्चा है उसमें ऐसे काफी लक्षण हमें अलग अलग मिलता है। बच्चे में नाक मिलता है कि पिता पर गई हुई है, बच्चे की जो आंखें हैं वह माता से बिलोंग कर रही हैं, जो बच्चे के होंठ से है गाल है वह सब जो है क्या कहते हैं कि माता से मिल रही है, बच्चे का पैर थोड़ा सा पिता पर गया हुआ है। तो जो लक्षण हमको दिखता है बाहर से वही जो है उसमें हमें पता करते हैं कि जो माता पिता से लक्षण प्राप्त हुए हैं उन्हें उसमें क्या क्या दिखाई पड़ रहा है। जो लक्षण ये दिखते हैं कुछ अलग से दिखते हैं, हट के दिखते हैं, उन्हें कहते हैं हम विभिन्नताएं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक आनुवंशिकी, आनुवंशिकता एवं विभिन्नताएं। अब इसके बाद के लिए हमारा टॉपिक साबित होगा मेंडल की शब्दावलियां, मेंडल की शब्दावलियां एवं मेंडल का आनुवंशिकी के क्षेत्र में योगदान, मेंडल ने अपने इस लाइफ में कौन कौन सा प्रयोग किया और उस प्रयोग को किस फील्ड में उतारा है और उसके बाद पढ़ना है मेंडल की शब्दावलियां। ठीक है बच्चों, तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, तब तक धन्यवाद।